ही वॉन्टेड मी टू ट्राई हिज कॉफी एंड आई एम स्कैर्ड कि आज पहली बार मुझसे ऐसे क्यों बोल रहा है अपनी कॉफी टेस्ट करने के लिए, बट लेट्स टेस्ट इट. इट्स एक्चुअली नाइस. हनी डाले घर वाला? मेरी मिल्क मेड वाले मिल्क पाउडर वाले से तो बहुत काफी अच्छी है. थैंक यू. मैं इसने जब मेरे को बोला तो मैं सच में डर गई थी कि आज मुझे एकदम से क्यों बोल रहा है कि इसकी कॉफी टेस्ट कर, पर इट्स गॉट. वेलकम बैक टू माई चैनल. अनदर डे अनदर व्लॉग. एंड काफी अच्छा दिन है. दो दिन से मुझे लग रहा था कि बारिश होगी बट नहीं हुई. एंड आर मॉर्निंग रिचुअल आई एम हैविंग लुकवॉर्म वाटर. सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आप ऐसी कौन सी चीजें जो अपने मॉर्निंग में सबसे पहले कंज्यूम करते हो. अगर कुछ हेल्दी सा है तो मुझे भी बताओ ताकि मैं अपनी लाइफ में ऐड कर सकूं उसको. चाय हो चाहे आप कॉफी पीते हो, जो भी आप पीते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. सो इस टाइम पे सबसे बेसिक है ल्यूक वार्म वाटर जो आपको सुबह कंज्यूम करना चाहिए. अदरवाइज इसमें काफी सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो. आप लेमन ऐड कर सकते हो, आप क्यूमिन ऐड कर सकते हो. आप सबसे बेस्ट चीज है जो अभी कोविड सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से कि आपको हल्दी एंड नमक ऐड करना चाहिए. उसका आप गार्गल भी कर सकते हो, वो आपके माउथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपके थ्रोट के लिए भी बहुत अच्छा होता है. बट अभी आई एम हैविंग ल्यूक वार्म वाटर. एंड आज कोई हसल नहीं है क्योंकि आज ब्रेकफास्ट मुझे नहीं बनाना है. आज ऑलरेडी आई गेस ब्रेकफास्ट बन चुका है, मम्मी ने बना दिया है. तो हम नीचे जाके देखेंगे कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है. काफी दिन बाद किसी और के हाथ का ब्रेकफास्ट खाने को मिल रहा है. मैं बना रही थी उसके बाद तो अभी. और अभी आई एम गोना हैव विटामिन डी. पहले सबसे पहला ब्रेकफास्ट मेरा विटामिन डी होता है. मैं अपनी बॉडी को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ पहले. एंड हैविंग ल्यूक वार्म वाटर एंड देन हम नीचे जाएंगे, देखेंगे आज नाश्ते में क्या है. एंड देन हम देखेंगे कि आज के दिन आज के व्लॉग में आज के दिन में क्या होता है, मैं क्या करने वाली हूँ. लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी प्लान नहीं रहता है कि दिन में क्या होता है क्या करना है. जो होता है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ. तो लेट्स सी. बट पहले विटामिन डी एंड चलो बाहर नाश्ता करेंगे. करना है कि नहीं नाश्ता? गुड बॉय, गुड बॉय, अरे इज अ गुड बॉय. इट्स ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट. अरे today's breakfast we have poha. Poha, adding some lemon and it's done. We are sorted. तो पिछले कुछ टाइम से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मुझे खाना बनाना पड़ रहा था. बट आज मेरा काम थोड़ा सा आसान किया है तो मम्मी ने आज नाश्ता भी बना दिया है, मम्मी ने आज सब्जी भी बना दिया है. बट मुझे अभी रोटी बनानी है और आज पापा को ऑफिस जाना है तो मैं रोटी बनाने जा रही हूँ. रोटी बनाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, मतलब बाकी सारे काम तो मुझे अपने करने हैं. बस मम्मी ने आज सब्जी में और नाश्ते में हेल्प कर दी तो मेरा काम थोड़ा सा ईजी हो गया. आई एम हैप्पी.
ठंडे चपाती एंड अभी मुझे मैंगो शेक बना लो क्योंकि ये मैंगो बिल्कुल खाने लायक नहीं है, बहुत खट्टे हैं और पापा भी ऑफिस जाने वाले हैं तो उनको भी मैंगो शेक दे देंगे और मैं अपनी वीडियो लाइक करूँगी तो मैं मैंगो शेक पीते पीछे उसे इन्जॉय करूँगी। आई डन विथ यस्टरडेज व्लॉग काफ़ी टाइम पहले और अब है ना मुझे वो आलस चढ़ रहा है वापस से, मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। वो एक बार जो फ्लो में काम हो जाता है ना तो वो हो ही जाता है, अदरवाइज जो आलस आती है। अगर आप मेरे व्लॉग देखने के बाद आपको थोड़ा आलसी फील होता है ना तो यार थोड़ा आलस ले लेना मेरे से ताकि ना मेरा कम हो सके। अभी मुझे किचन में बहुत सारा काम है, बर्तन भी धोना है एंड आज मुझे राइस बनाने हैं जो मैंने सोचे हैं कि मुझे वैसे राइस खाने हैं रायते के साथ, तो मैं वो भी बनाना है। तो अगर हमें जल्द से जल्द नहीं उठी ना तो फिर वो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ जाके फटाफट से काम शुरू करूँ। एक्चुअली स्टार्टिंग में आज मम्मी ने सब्जी बना दिया ना तो उसके बाद मेरा वो फ्लो चला गया काम का, नहीं तो एक साथ जो किचन में मैं खड़े होकर काम करती हूँ ना उसमें काम जल्दी हो जाता है। बट अब मैं कोशिश करूँगी फटाफट से उठ जाऊँ। सो गाइस इट्स 1:30, मेरा काम भी फिनिश हो गया, मैंने नहा भी लिया है तो अब मैं अपना लंच लूँगी एंड मैंने चावल नहाने से पहले बना दिए तो लेट्स सी कि वो कैसे बने हैं। आई होप कि जैसे मैं चाहती थी आज खाना वैसे ही बने हो, तो लेट्स गो। सो दैट्स हाउ माई लंच लुक लाइक। आई हैव राइस, सोयाबीन की सब्जी, दिस इज गिलकी एंड रायता एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट माई राइस, नाउ आई एम गोना एंजॉय इट। See the sunset and how beautiful the sky is looking. This is the best view. गाइज इट्स 6:30 इन द इवनिंग और मेरी शक्ल देख के आपको समझ में आ सकता है कि मैं सो गई थी और मुझे नहीं पता मेरी आँख कब लगी है। मुझे बिल्कुल नहीं सोना था दिन में, रात की स्लीप में बहुत दिक्कत होती है इसलिए मुझे नहीं सोना था। राइट नाउ आई एम हैविंग वाटरमेलन एंड आज योगा स्किप हो गया है बट मैं रात में सोने से पहले योगा कर लूँगी और आपको कल के व्लॉग में अपडेट मिल जाएगा क्योंकि अगर मेरा शेड्यूल से थोड़ा सा भी लेट इधर उधर होता है तो उसके बाद है ना थोड़ा दिक्कत आता है। तो मैं सोने से पहले बेड टाइम योगा आज कर लूँगी और स्लीप के लिए होता है इवनिंग योगा भी तो वो उस टाइम पे और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो मैं वो कर लूँगी। और फिलहाल ये टाइम सबसे गंदा होता है, जब आप इस टाइम पे उठते हो ना तो आपका मूड, आपकी बॉडी बहुत अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है। आई हेट दिस टाइम। मुझे नहीं पता चला मैं कब सो गई और कैसे मेरी नींद लगी है बट या अभी मैं वाटरमेलन खाऊँगी और इसको इन्जॉय करूँगी आराम से बैठ के। बस सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट गिव इट अ बिग बाय थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखो, अपने आसपास का ध्यान रखो, खुश रहो एंड टेक केयर। बाय बाय, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।